नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और एक खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां सुशांत सिंह राजपूत पर बन रही फिल्म पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर के डॉक्टर एपी सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दुख व्यक्त करने से दुख घट जाता है और सुख में चले जाने से सुख बढ़ जाता है। ये हमारी रीति परंपरा व संस्कृति पहले से चली आ रही है। इस मामले में क्या कुछ कहा डॉक्टर एपी सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। सर, कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के केस में अहम सुनवाई है, कल क्या होगा? देखिए, हमने अपनी तरफ से जो शशांक फिल्म बना रहे हैं, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से हमने रिटन स्टेटमेंट, रिप्लाई, एडमिशन डिनायल, एफिडेविट और सब चीजें डॉक्यूमेंट सारे फाइल कर दिए हैं दिल्ली उच्च न्यायालय में, कोर्ट में, और कल ऑनरेबल हाईकोर्ट में कल सुनवाई है, मैटर लिस्टेड है। और वहां पर देखिए हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं वो पूर्वांचल की वजह से कहिए, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की ये सभ्यता और सभी समाज की सभ्यता और संस्कृति है कि किसी भी ये जवान मौत हुई है, सुशांत सिंह राजपूत उनका साथी था, और उसके शोक में उसके पिता के पास, बहन, परिवार के पास वहां चले गए, पटना में वहां मिलने चले गए, उनके गांव में पहुंच गए, उनके साथ शोक संवेदना व्यक्त कर दी, दुख व्यक्त कर दिया। तो दुख व्यक्त करने से दुख घट जाता है और सुख में चले जाने से सुख बढ़ जाता है, ऐसी हमारी रीति परंपरा और संस्कृति है। इसलिए वहां वो चले गए और इसको वो उन्हें लग के ये लग रहा है कि हमारे जो मुंबई के फिल्म डायरेक्टर हमारे क्लाइंट हैं वो उस पर फिल्म बना रहे हैं। तो शशांक फिल्म चार लोगों पर आधारित है, नेपोटिज्म के खिलाफ है, और उसकी स्टोरी बिल्कुल इस तरह से है कि लोग आत्महत्याओं के लिए मजबूर न करें, एक सामाजिक बुराई के खिलाफ शशांक फिल्म बन रही है। इसका उस फिल्म से इससे ऐसा कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन सामाजिक बुराई दूर करना भी तो एक समस्या है, ये तो सही है, ये तो होना चाहिए। सर, क्या फिल्म अभिनेता राज बब्बर के बेटे आर्यन बब्बर के इस फिल्म से कैरियर पर भी फर्क पड़ेगा? देखिए, आर्यन बब्बर राज बब्बर जी का लड़का है, राज बब्बर जी बहुत अच्छे हीरो रहे हैं। आर्यन बब्बर चांदी के चम्मच को लेके पैदा होने वाले बच्चों में से हैं, राजवीर सिंह और सब ये सब लोग जो भी हर फिल्म में अच्छे हीरो हीरोइंस होते हैं, और हीरो हीरोइंस फिल्म के लिए अच्छी होती है और फिल्म हीरो हीरोइंस के लिए अच्छी होती है, और दोनों मिलके समाज के लिए अच्छे होते हैं, हमारे समाज के निर्माण के लिए दिशा देने के काम करते हैं। हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे जीवन के लोगों को जीने के लिए अच्छी तरह से शिक्षाप्रद होनी चाहिए कोई भी फिल्म। राज बब्बर जी ने भी कई शिक्षाप्रद फिल्में की हैं और आशा करता हूं उनके पुत्र आर्यन बब्बर भी उनके साथ पले बड़े हैं तो वो भी उनकी फिल्म अच्छी ही होगी, उसमें अच्छा रोल करेंगे। लोगों के युवाओं के लिए, युवाओं के आइकॉन बनते हैं ये हीरो हीरोइंस, और उन्हें ऐसी दिशा देना चाहिए जिससे कि समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। समाज निचली इकाई है, मिट्टी के घड़े की तरह होता है बच्चा, और आगे बड़े होकर वो समाज की दिशा दशा को तय करता है, समाज के निर्माण करता है। इसलिए शशांक फिल्म इसमें अच्छी रहेगी। यही हमें दिल्ली उच्च न्यायालय में भी कल भी अहम सुनवाई है, उसमें भी मुझे यही कहना है कि इस फिल्म को समय पर रिलीज होने दिया जाए और जिससे कि सारी कुछ अच्छी दिशा जाए, युवा हत्या की तरफ से प्रेरित होने से रुके और नए जीवन की तरफ बढ़ने का काम करे, ये फिल्म ऐसा दिखाएगी।